हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपर्णा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 1 से 2 साल के बच्चे के लिए प्यारा और क्यूट सा बेबी सूट, जिसमें आपको स्वेटर के साथ साथ मोजे और कैप बनाना भी बताऊंगी। ये मैंने पिंक और वाइट कलर में बनाया है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप इतना सुंदर स्वेटर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। इसमें मैंने ये बनाई है क्यूट सी कैप, ये देखिए, और इसमें ये मैंने ऊपर से आईज और नोज स्टिच करके लगाई है और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कहीं कोई बिनाई नहीं है, सिर्फ सीधा उल्टा बिनना है। ये मैंने क्यूट से सॉक्स बनाए हैं और ये है आपका क्यूट सा स्वेटर, जिसमें मैंने गले से बिनाई शुरू करी है। गले से बिनाई शुरू करते हुए ये नीचे लैस का पैटर्न दिया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाएंगे। साथ में आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। इसमें मेरी 250 से 300 ग्राम ऊन लग गई है और ये जो छोटी छोटी मैंने आईज और नोज बनाई हैं, ये बची खुची जो ऊन बच जाती है मैंने उससे बनाई है। मैं आपको दूसरे कलर में बना के दिखाऊंगी, मेरे पास ये 2 कलर्स अवेलेबल हैं। तो ये स्वेटर मैंने गले से शुरू करा है, तो इसके लिए मैंने ऊपर 80 फंदे डाले हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करेंगे। यहाँ 10 नंबर की सिलाई ली है और मैं यहाँ सिंगल ऊन से सिंपल वाले फंदे डालूंगी, जो नॉर्मल होते हैं, कंगूरे वाले नहीं डालूंगी। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, ऐसे आप पूरे 80 फंदे डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 80 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इसमें फर्स्ट रो बनाऊंगी उल्टी, तो उल्टी उल्टी रो बनानी है। इसमें हमें जो ये हमने स्वेटर देखा था, इसमें मैंने उल्टी उल्टी धारी बनाई है, देखिए। और इसमें मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 रो बनाई हैं, तो हमें उल्टी उल्टी 22 रो बनानी है और ना हमें कहीं फंदा घटाना है और ना बढ़ाना है। तो हम पहले ये पूरा बना लेंगे। तो इसके लिए हर सिलाई में जो फर्स्ट वाला फंदा होगा, जो पहला फंदा होगा, हम उसको स्किप कर लेंगे ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत अच्छा आए। ये देखिए, मैंने यहाँ स्किप करा है तो इस हिसाब से ऐसे आया है, ये देखिए फली जैसी आ गई है। तो स्किप करने से हमारी ये फली आ जाएगी, तो हम पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर हम उल्टा उल्टा बनेंगे। अपनी तरफ सिलाई ऐसे डाल के और ऐसे, ही देखिए, ऐसे ये एक एक फंदा बिनते जाएंगे। यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट होने वाली है, ये देखिए, यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको टर्न करके अब मैं यहाँ से जो नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी वो भी उल्टी उल्टी बनूंगी और पहला फंदा स्किप करूंगी। ये देखिए, ऐसे हमें उल्टा उल्टा बिनते जाना है। ऐसे ही हमें 22 लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं पहले अपनी 22 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 22 उल्टी लाइन कंप्लीट कर ली हैं, यानी 44 लाइंस। अब मैं यहाँ पे बटन पट्टी और जाली बना के, क्या कहते हैं, गले से नीचे का पल्ला बनाना शुरू करूंगी। तो मेरे पास यहाँ टोटल 80 फंदे हैं, तो मैंने इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, 7-7 फंदे मैंने बटन पट्टी के लिए हैं और 10-10 फंदे आगे वाले पल्ले के लिए हैं। यहाँ पे 4 फंदे जो हैं ये जाली के हैं और पीछे वाले पल्ले में 22 फंदे रहेंगे और बाजुओं में भी 10-10 फंदे रहेंगे। तो टोटल मिला के मेरे 80 फंदे हैं। तो देखिए, पहले हम 7 फंदे हम बटन पट्टी के बिनेंगे। पहला फंदा स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा आगे करके फिर हम सीधा सीधा बिनेंगे। अब हमें सिर्फ बटन पट्टी उल्टी उल्टी बिननी है और बाकी सीधे की जगह सीधा और उल्टे की जगह उल्टा बिनना है। तो हम यहाँ पे 10 सीधे, ये जो 10 फंदे हैं, ये वाले जो 10 फंदे हैं ये बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस एक फंदे पे हम जाली देंगे,
तो ये जो एक फंदा है इस पे हम धागा अपनी ओर करके इसको सीधा बिनेंगे तो यहाँ पे एक जाली बन जाएगी, और एक और जाली देंगे इसी एक फंदे पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम एक एक जाली देंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। अब हमने यहाँ 10 फंदे ये वाले कंप्लीट कर लिए, फिर एक जाली देनी है। तो जो एक फंदा है इसके आगे पीछे दोनों तरफ अब धागा अपनी तरफ करके एक जाली इस फंदे पे अपनी तरफ करके ऐसे दोनों तरफ जाली देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 फंदे मैंने पीछे वाले पल्ले के लिए रखे हैं। फिर हम ऐसी एक जाली देंगे, एक जाली इधर और एक जाली इधर, फिर 10 फंदे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। फिर ये वाला जो एक फंदा है इसके आगे पीछे जाली देंगे, इस एक फंदे पे धागा अपनी ओर करके एक जाली इधर और एक जाली इधर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। अभी 7 फंदे बचे हैं, तो हम ये 7 बटन पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ और 7। अब हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई है, अब उल्टी रो बची है। उल्टी उल्टी रो हम ऐसे ही बिन लेंगे, पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे, जाली वाले फंदे को भी उल्टा उल्टा बिन लेंगे। यहाँ पे हमारे फंदे भी बढ़ गए हैं, और ऐसे ही हमारे धीरे धीरे करके फंदे बढ़ते रहेंगे, उल्टी लाइन हम पूरी पूरी बिन लेंगे। हमने यहाँ उल्टी रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से सीधी रो में आ जाते हैं। सीधी रो में जाली जो हमारी डलेगी वो थोड़ी अलग, वैसी ही डलेगी लेकिन थोड़ा अलग पैटर्न में डलेगी। ये हमारे 7 फंदे हो गए बटन पट्टी के, फिर हमारे जो 10 फंदे थे वो अब 11 हो जाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। हमारे ये 10 फंदे ऐसे ही बिने जाएंगे, और जो जाली है वो ये हमने इधर बनाई थी, ये सेंटर वाला फंदा है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो अब हम इन 3 फंदों को बीच में रख के इन तीनों फंदों के लेफ्ट और राइट में हम जाली बनाएंगे, तो हमारी जाली जो है वी फॉर्म में आ जाएगी। तो ये 3 फंदे सेंटर के हैं, धागा अपनी तरफ करके हम ये जाली बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर हम यही 10 फंदे दोबारा से बिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। ठीक है, अब ये देखिए फिर से 3 फंदे इधर के आ गए, तो फिर 3 फंदे सेंटर वाले आ गए, तो हम एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर जाली बनाएंगे। तो ये जो पैटर्न है ये वी शेप में आ जाएगा, जो हमारी जाली का पैटर्न है। ये हमें 3 बार रिपीट करना है, यानी टोटल 6 रो के बाद फिर जो हमारा सेंटर वाला फंदा है वो उसके आगे पीछे जाली बनाएंगे। तो मैं अपनी 6 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ 6 रो कंप्लीट कर ली है, और मैं 7 रो में आ गई हूँ, और मैंने यहाँ 7 पट्टे बटन पट्टी के और नेक्स्ट फंदे प्लेन प्लेन बिनने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा वी पैटर्न की जाली आ गई है, यहाँ पे देखिए 3 जालियाँ आई हैं मेरी 6 रो में। तो हम ये ऐसी बिन लेंगे, और इसका जो सेंटर वाला फंदा है, ये वाला सेंटर वाला फंदा है, ये देखिए सेंटर वाले फंदे के हम लेफ्ट और राइट में बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था। तो ये हमारा दोनों तरफ, तो हम इसको ऐसे ही रिपीट कर करके हम बना लेते हैं।
तो मुड्ढे तक आप इसको बना लीजिए, फिर मैं नीचे का बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने फिर मैंने यहाँ अपनी 8वीं वी पैटर्न की जाली कंप्लीट कर ली है, यानी 24 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं मेरी। अब हम अपनी दोनों आस्तीनों और आगे पीछे के पल्ले का पार्टीशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आस्तीन बिननी है हमको, तो उसके लिए मैंने जो फंदे थे नॉर्मल वाले जो बटन पट्टी के पास के थे, इसको ऐसे उतार लेंगे सिलाई में एक एक करके। जो हमारी जाली है वहाँ तक उतारेंगे ताकि हम अपनी आस्तीन को बिन सकें। ये देखिए जाली है, तो इसका जो सेंटर वाला फंदा है वो हमें अपनी आस्तीन की तरफ रखना है। ये वाला फंदा आस्तीन की तरफ रखेंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम अपनी आस्तीन बनेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक धागे से ऊन का जोड़ लगाया है। इसके लिए ये देखिए यहाँ पे हम तीन फंदे बढ़ाएंगे, एक दो और तीन। तीन फंदे बढ़ाने से क्या होगा, जो मुड्ढे होते हैं उसमें सिलने में आसानी होती है। तो ये तीन फंदे बढ़ा लिए, फिर हम आस्तीन को ऐसी प्लेन प्लेन बिन लेंगे। तो हमारे जितने भी आस्तीन के फंदे हैं, और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। इसको हम ऐसे मिल लेंगे, बिन लेंगे नेक्स्ट जाली तक। ये मेरी नेक्स्ट जाली आ गई, तो जो सेंटर का फंदा है वो हम आस्तीन की तरफ रखेंगे। ये देखिए मेरी आस्तीन, मैंने आस्तीन बिन भी आस्तीन बिनते जाएंगे। अब यहाँ पे भी हमें तीन फंदे बढ़ाने हैं, एक दो तीन। अब हम ये जो आस्तीन वाले फंदे हैं उल्टे उल्टे बिन लेंगे, सीधी तरफ से सीधे सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे उल्टे। ऐसे हम टोटल अपनी 8 लाइनें कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरे कलर से डिज़ाइन डालेंगे। तो हम पहले अपनी 8 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ अपनी 8 लाइन कंप्लीट कर ली हैं, अब मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो डिज़ाइन में दूसरा कलर जोड़ने के लिए इस कलर को जोड़ लूँगी मैं ऐसे। अब मैं यहाँ, ये डिज़ाइन है 4 लाइन की, तो ये उल्टी तरफ से डलेगी। तो ऐसे करके आप ऊन को आगे करेंगे ऐसे करके, और फिर जो ये टाइट वाला फंदा है, एक तो ये खींचने वाला होता है, एक ये टाइट वाला है। टाइट वाले से तीन फंदे बिनेंगे, एक दो तीन। ये तीन फंदे बिनने के बाद ये ऊन है इसको ऐसे खींचेंगे, तो आपका ये पैटर्न बन गया। यही पैटर्न आपको रिपीट करना है, और जो ये ऊन थी इसको आप यहाँ पे गांठ लगा लीजिए। फिर से अगेन ये फिर से हम इसको आगे ऐसे लाएंगे। ये देखिए फिर से जो टाइट वाला है इससे, एक दो तीन ऐसे करके। ये पूरी, ये अब हमारा लास्ट फंदा बचा है, तो इसको हम ऐसे ही बिन लेंगे। ये हमारी पूरी लाइन हो गई। तो हमें एक ही डिज़ाइन, एक ही लाइन में डिज़ाइन डालनी है ऐसे। अब हम उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा प्लेन प्लेन ऐसे ही बिन लेंगे, उल्टा उल्टा ही हमें बिनना है। बस एक ही लाइन के डिज़ाइन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये आस्तीन है, तो यहाँ पे हमें फंदे भी घटाने हैं। तो हम हर 4-4 सिलाई में फंदे घटाएंगे। अब हम अपने डिज़ाइन की तीसरी लाइन पे आ गई हैं, तो हमें यहाँ पे फंदे घटाने हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें 2 का 1 कर देना है, तो 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही 2 का 1 दूसरी तरफ भी कर देंगे इसी लाइन के। और हमें हर 4-4 सिलाई पे 2 का 2-2 फंदे घटाने हैं, ताकि हमारी जो आस्तीन है नीचे 40 फंदे रह जाएं और अच्छा सा शेप आ जाता है इससे। अभी हमारे फंदे ज़्यादा हैं तो नीचे कम हो जाएंगे। तो हर 4-4 सिलाई में हमें 2 का 1 2 का फंदे घटाने हैं। ये लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, और चौथी लाइन भी ऐसे ही उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। फिर दूसरे कलर से डिज़ाइन डलेगी।
यहाँ पे सफ़ेद वाली से मैंने चार लाइन बिन ली है। पहले स्टिच में लाइन डलेगी और बाकी तीन स्टिच प्लेन बिनी जाएंगी, और यहाँ पे दूसरी तीसरी स्टिच में दो का एक करना है दोनों तरफ, ये याद रखिएगा। और बाकी पूरी पूरी ऐसे ही रिपीट होगी। और हमें टोटल मिला के 6 पैटर्न डालने हैं ऐसे वाले वाइट कलर के। तो यहाँ पे भी हम पहला ब्राउन कलर से बिन लेंगे, फिर धागा आगे करके 1 2 3 ऐसे यही हमें रिपीट करना है। और हमें टोटल मिला के 6 कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 रो ये 6 डिज़ाइन पैटर्न डाल लिए हैं वाइट कलर से, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे का बॉर्डर बनाएंगे आस्तीन का, तो इसमें हमें सिर्फ उल्टी उल्टी धारी बनी है। तो हमें जो फंदा घटाना था एक हमने यहाँ घटा लिया है और हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, तो अब हमारे नीचे बेस में 40 फंदे बचे हैं, तो ये हम उल्टी उल्टी धारी बिन लेंगे। मैंने अपनी 6 उल्टी रो कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं ये घटा दूंगी और हमारी एक आस्तीन पूरी हो जाएगी। तो घटाने के लिए आपको 2 फंदे बिनने हैं, फिर इस जो पहला फंदा था इसको आगे वाले फंदे पे उतार देना। फिर से देखिएगा, एक फंदा बिना हमने और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे ऐसे उतार दिया। यहाँ पे हमारे पूरे फंदे घट गए हैं। और लास्ट में जो हमारा ये फंदा बचता है इसको खींच के बॉल इसके अंदर से डाल के इसको ऐसे करके यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक आस्तीन तैयार हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ दूसरी आस्तीन बनाएंगे, तो उसके लिए ये इन फंदों को ऐसे ही इसमें चढ़ा देंगे जो हमारे पीछे के पल्ले के फंदे थे। और फिर हम सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहली आस्तीन बनाई थी उसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन भी बनाएंगे। अब यहाँ से जो आस्तीन है जो सेंटर वाला फंदा है ये आस्तीन की तरफ करके सेम वही पैटर्न हमें बनाना है। 3 इधर बढ़ाने हैं, 3 दूसरी तरफ बढ़ाने हैं, और आस्तीन को वैसे ही बिनते जाना है जैसे हमने पहली आस्तीन बनाई थी। तो हम अपनी दोनों आस्तीन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पीछे वाले पल्ले पे आएंगे। यहाँ पे मेरी दोनों आस्तीनें कंप्लीट हो गई हैं, ये देखिए। अब मैं पीछे का पल्ला बनाऊंगी। पीछे के पल्ले में हमें वही आस्तीन की तरह दोनों तरफ 3-3 फंदे बढ़ाने हैं और 8 सिलाई प्लेन प्लेन बिननी है ब्राउन कलर की जैसे हमने आस्तीन में बिनी थी। तो हम यहाँ पे 3 फंदे बढ़ा लेंगे, 1 2 और 3। इन 3 फंदों को इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बढ़ा लेंगे और 8 लाइन प्लेन बिनेंगे। फिर हम दूसरे कलर्स का जोड़ लगा के प्लेन प्लेन बिनेंगे। मैंने यहाँ अपनी 8 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये दूसरे कलर से इसमें सीधा सीधा बिनना है और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे इन दोनों ऊनों का। अब हमें प्लेन प्लेन वाइट वाली ऊन से ही बिनते चले जाना है और हमें टोटल मिला के 42 लाइंस बिननी है। मैंने यहाँ इस कलर से वाइट कलर से अपनी 42 लाइंस कंप्लीट कर ली हैं और एक लाइन एक्स्ट्रा कर ली है, यानी मुड्ढे से लेके जहाँ पे ये मुड्ढा स्टार्ट हुआ था यहाँ से यहाँ तक टोटल 50 लाइंस हैं और एक लाइन एक्स्ट्रा कर ली है क्योंकि जो हम ये फ्रिल बनाएंगे, ये देखिए जो ये फ्रिल बनानी है ये हम रॉन्ग साइड से दूसरी ऊन जोड़ेंगे फिर हमारे राइट साइड से ये फ्रिल डलेगी। ये फ्रिल कैसे डालनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हम यहाँ पे पहला फंदा सीधा सीधा बिनेंगे, एक हमने सीधा फंदा बिना। अब हमें एक सीधा फंदे के बाद हमें जाली डालनी है, तो हमें यहाँ पे 3 उल्टे बिनने हैं। तो हम ऐसे भी जाली डाल सकते हैं पीछे से आगे की ओर ऐसे करके, लेकिन ये फंदा टाइट हो जाएगा इसलिए मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको जाली डालने का। धागा को अपनी तरफ करके ऐसे राउंड ले लीजिए और फिर आप 3 उल्टे बिन लीजिए, 1 2 3। इन 3 उल्टों के बाद एक सीधा बिना जाएगा। ये 4 जो फंदे हैं इन फंदों को बार बार रिपीट करना है ये मैं हर लाइन में, तो ये ध्यान रखिएगा 3 उल्टे और एक सीधा। फिर आप इस सीधे के बाद एक जाली डालेंगे, धागा को घुमाएंगे और फिर 3 उल्टे बिनेंगे, 1 2 3। 3 उल्टे के बाद एक सीधा। आप एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा
क्योंकि यहाँ एक एक जाली बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक भी जाली ख़राब होने से आपकी फ्रिल ख़राब हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैंने यहाँ अपनी पहली लाइन कंप्लीट कर ली है, अब मैं आती हूँ दूसरी लाइन में। तो दूसरी लाइन में जो हमारे ये उल्टे फंदे थे आगे की तरफ से, ये हमें पीछे की तरफ से सीधे दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सीधे ही बिनना है, यानी जो ये दो सीधे दिख रहे हैं तो ये सीधे पे सीधा आ जाएगा। और ये जो जाली वाला फंदा है ये उल्टा बिनेंगे, उल्टा बिनेंगे और एक सीधा फंदा भी उल्टा आ जाएगा। तो ये जो सीधे पे सीधा दिख रहा है वो सीधे पे सीधा बिना जाएगा, यानी दो दो तीन सीधे, हमारे जो आगे की तरफ से तीन उल्टे थे वो पीछे की तरफ से तीन सीधे हो गए, और फिर हमारी जाली वाला फंदा भी उल्टा, फिर हमारा एक और फंदा उल्टा। तो अब मैं अपनी तीसरी रो में आ गई हूँ। तीसरी रो में जो पहला फंदा था ये मैंने सीधा ले लिया है, फिर यहाँ पे जाली डली थी तो इस सीधे फंदे के बाद हमें जाली डालनी है, ऐसे करके धागा आगे करिए और ये सीधा बिन लीजिए, यानी एक सीधा फिर जाली फिर एक सीधा। और जो ये तीन उल्टे फंदे थे इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा रिपीट करना है, तो ये देखिए धागा आगे करा और तीन उल्टे, एक दो तीन और फिर एक सीधा। ये चार फंदे की जो डिज़ाइन है ये आपकी सेम रहेगी, तीन उल्टा और एक सीधा, और यहाँ पर आपकी डिज़ाइन चेंज होती जाएगी। तो हमने क्या करा, एक सीधा बिना, फिर एक जाली डाली, फिर एक सीधा बिना, फिर तीन उल्टे वैसे ही रिपीट करें और फिर एक सीधा बिना, फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे। इसमें जाली हम कैसे डालेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर एक सीधा बिनेंगे, तो हमारी यहाँ पे जाली डल जाएगी, फिर तीन उल्टे, ऐसे करके आपको पूरी लाइन रिपीट करनी है। अब मैं अपनी फोर्थ रो में आ गई हूँ। तो फोर्थ रो में जो फंदा हमको सीधा दिख रहा है यहाँ से, उस पर हम सीधे पे सीधा बिनेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो उल्टा फंदा है इस पर उल्टा बिनेंगे, जाली भी उल्टी बिनी जाएगी और फिर ये वाला भी उल्टा बिना जाएगा। तो ये तीन फंदे उल्टे हो गए और तीन फंदे हमारे सीधे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये देखिए एक ये जाली वाला फंदा, ये पहला, एक और, ये तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे। मैं अपनी फिफ्थ रो में आ गई हूँ। फिर वैसे ही हमें करना है, सीधा फंदा को हमें सीधा बिनना है, फिर यहाँ पे हमें जाली के ऊपर जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा बिनेंगे, फिर हमारा जो ये सीधा था ये भी सीधा जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जाली के बाद दो सीधे फंदे हो जाएंगे, फिर हमारे तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर सीधे पे सीधा आ जाएगा। यहाँ पे तीन उल्टे के बाद हमेशा एक सीधा बिनना है। ये हमारी जो चार फंदे की पैटर्न है ये ऐसे ही रिपीट होगी, तीन उल्टे और एक सीधे, फिर हमारी जाली डलेगी, धागा आगे, फिर जाली, एक सीधा, फिर दो, एक और सीधा। तो जाली के बाद यहाँ दो सीधे आएंगे। सेकंड रो में हमारे जाली के बाद एक सीधा आया था और यहाँ पे हमारी थर्ड रो में जाली के बाद दो सीधे आएंगे। फिर हमारी जो नेक्स्ट रो होगी वो वैसे ही उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा रिपीट होगी। और जो हमारी सेवन्थ रो होगी उसमें हम क्या करना है, जाली के हमारे तीन सीधे हो जाएंगे, तो हम ऐसे ही बिनते चले आएंगे, तीन उल्टा एक सीधा। तो आप टोटल मिला के अपनी सेवन जालियां हमको करनी है, तो हम सात जालियां ऐसे ही रिपीट कर करके बना लेते हैं। मैंने यहाँ अपनी 14 रो कंप्लीट कर ली है और मेरी सात जाली कंप्लीट हो गई है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, ये सात जाली कंप्लीट करने के बाद मैं जैसे मैंने इसमें ये बॉर्डर बनाया है, ये देखिए ऐसे जाली आई है और ये जो बॉर्डर बनाया है देखिए तीन लाइन का, ये मैं बना लेती हूँ और इसके बाद इन फंदों को घटा दूंगी तो मेरी फ्रिल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी फ्रिल चाहिए तो आप इसकी जाली भी बढ़ा सकते हैं। ये छोटा स्वेटर बनाया है मैंने, तो इसके लिए मैंने कम जाली वाला सात जाली का बनाया है। आप ज़्यादा जाली भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। तो मैं ये उल्टी उल्टी धारी बना के इसके बॉर्डर बना के इसको घटा लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने, ये मेरी 15 रो है, 15 रो में मैंने सिर्फ उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं और ये मेरे को चार लाइन में रिपीट करने हैं। मैंने यहाँ चार लाइन कंप्लीट कर ली हैं, ये दो उल्टी उल्टी धारी हो गई हैं। अब मैं तीसरी उल्टी धारी यानी अपनी पांचवी लाइन में इन फंदों को घटा लूँगी। तो कैसे घटाना है, दो फंदे बिन के पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारना है। ये देखिए ऐसे एक फंदा बिना हमने पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार दिया।
ऐसे। मैंने यहाँ अपनी फ्रिल कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे धागा कट कर दिया है। ये देखिए मेरी बहुत ही सुंदर फ्रिल बन के आई है, ये देखिए। अगर आपको ये फ्रिल स्टेप बाय स्टेप देखनी है तो आप मेरी एक अपलोड वीडियो, मैंने इस फ्रिल की भी अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने एक एक लाइन करके बता रखा है कि ये फ्रिल कैसे बनाई जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब हम अपने आगे का पल्ला बिनते ये हैं। देखिए मैंने अपना बैक पोर्शन तैयार कर लिया है और दोनों आस्तीन तैयार कर ली हैं। अब मैं अपना फ्रंट बनाऊंगी। फ्रंट बनाने के लिए मेरे अभी दो पोर्शन बाकी हैं। इन दोनों को मैं यहाँ ज्वाइंट करूंगी बटन पट्टी पे। जो काज वाला हिस्सा है ये वाला, इसको ऊपर रखेंगे ऐसे, और इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ ये कैसे बिना जाएगा। अब हम इस वाले पल्ले को पहले बुन लेंगे। इसमें हम तीन फंदे यहाँ बढ़ाएंगे, जैसे हमने आस्तीन और पीछे वाले पल्ले में बढ़ाई थी, तो हम यहाँ पे हम तीन फंदे बढ़ा लेते हैं। इसके लिए हम ऊन का एक जॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, दो फंदे बढ़ाएंगे, इसको टाइट भी करते रहेंगे ताकि ये लूज ना हो। ये तीन फंदे हमने बढ़ा लिए। फिर इन तीनों फंदों को ऐसे ही प्लेन प्लेन बिन के, पूरी लाइन हम प्लेन प्लेन बिन लेंगे ऐसे ही। और जो ये जॉइंट था यहाँ पे हम इसकी गांठ लगा देंगे। हम इसको ऐसे ही पूरा प्लेन प्लेन बिनते चले जाएंगे और यहाँ तक बिनना है हमें, इस बटन पट्टी के इस वाले सीधे फंदे तक। ये बटन पट्टी में हम जॉइंट लगाएंगे इसलिए अभी हमें यहाँ तक बिनना है केवल। यहाँ पे मैंने यहाँ तक बिन लिया है। अब इस वाली जो एक काज वाली बटन पट्टी है, इसको इस वाली बटन पट्टी के ऊपर लाएंगे। फंदे को हम दो का एक कर लेंगे, एक फंदा इसका लिया, एक फंदा इसका लिया, यहाँ पे दो का एक कर दिया, फिर एक फंदा इसका लिया, एक फंदा इसका लिया, यहाँ पे दो का एक कर लिया, तो ये जॉइंट हो जाएंगे। ऐसे दो का एक करते रहेंगे तो सातों जो फंदे हैं बटन पट्टी के, ये हमारे जॉइंट होके एक साथ दिखेंगे ऐसे। और जो ये वाला धागा था इसका, इसको हम खींच के टाइट कर लेंगे और इसको बाद में हम स्टिच कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ये पूरा पल्ला जॉइंट हो गया, ये देखिए आगे पीछे का। और हमें इसको ऐसे ही बिन लेना है और यहाँ पे हमें तीन फंदे फिर से बढ़ाने हैं, जैसे हमने पीछे वाले पल्ले में बढ़ाए थे। और सेम पीछे वाले पल्ले की तरह हमें पूरा आगे वाला पल्ला भी बनाना है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ इसमें हमने कैसे बनाया था। इसमें हमने 8 ब्राउन लाइंस करी थी यहाँ मुड्ढे से यहाँ तक, फिर हमने 43 लाइंस करी थी और उल्टी तरफ से हमने ब्राउन ब्राउन लाइन से बिना था और सीधी तरफ से डिज़ाइन डाल के फ्रिल बनाई थी। और तीन तीन ये एक दो तीन ये बॉर्डर की हैं, इनमें हमने जो लास्ट ये तीसरी लाइन है इसमें घटाया था। तो ऐसे ही हम आगे पीछे का पल्ला बना लेते हैं और फिर आपका पूरा स्वेटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरी आगे वाली पे फ्रिल तैयार हो गई है और मैंने ये ऊन कट कर ली है यहाँ से। मेरा बहुत ही अच्छा स्वेटर बन के तैयार हुआ है। ये दोनों आस्तीनें हैं और ये आगे पीछे का पल्ला है और ये गला भी कॉलर वाला देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसमें यहाँ पे जो ये नाकान का पैटर्न है ये वाला, ये डालेंगे। आप चाहें तो आप ऐसे सिंपल भी रहन दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही वाला स्वेटर आपको बता रही हूँ, तो मैं यही वाले पैच को यहाँ पे बना के आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। लेकिन मैं ये इस वाली वीडियो में नहीं बताऊँगी क्योंकि ये वाली वीडियो मेरी बहुत ही लंबी हो गई है, तो मैं इसलिए इसके जो इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगी उसमें बताऊँगी कि आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है और यहाँ पे नाकान का पैटर्न कैसे बनाना है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। आगे की वीडियो मैं आपको पार्ट 2 में बताती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।